खेला ही मैं सबे पड़ रही पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ बंटा जी रहा है। अब कैसे हो बंटाई की पब्लिक, तो क्या फिर से एमवे बंटाई एक बार सबका खेल खत्म करने वाले हैं? क्योंकि आप सबको पता ही कि एमवे बंटाई अकेले ही सब पे भारी और पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ है। सो आज से दो दिन पहले आप सबको पता ही है कि किंग ने एमवे बंटाई को डिस्क करा था, और कल फ्रेंडशिप डे के दिन समय रैना ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एमवे बंटाई और रफ्तार की एक फोटो को शेयर करते हुए जिसमे उन्होंने लिखा था की हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सो इसी का रिप्लाई करते हुए रफ्फू भाई एक बार फिर से एमवे बंटाई को पोक करते हुए लिखते हैं, मत कर लाला मत कर तकलीफ हो जाएगी तेरे को। सो सारे मिलकर एमवे बंटाई को अभी पोक वगैरह कर रहे हैं। और जब से किंग ने एमवे बंटाई को डिस्क करा है उस दिन से अभी तक तो एमवे बंटाई ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन अभी अभी भाई साहब एमवे बंटाई ने अपने एक पोस्ट को डालकर डिस्क का सीन फिर से क्रिएट कर दिया है। सो उन्होंने अपने एक पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा है कि सबको अगर मिलके आना पड़ रहा है मुझे हराने की कोशिश में, तो सोचो कितना मजबूत हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब इसको देखकर ये तो अभी नहीं लग रहा कि कोई डिस आने वाला है, लेकिन अगर सही में एमवे बंटाई कोई डिस ला रहे हैं तो भाई काफी खतरनाक सीन होने वाला है। मैं बन के आया नाश होगा सत्यनाश मेरे पास है। बाकी आप सबको क्या लगता है कि एमवे बंटाई का कोई डिस आएगा कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो रेडियो एंड म्यूजिक की तरफ से क्लैप म्यूजिक अवार्ड आया है जिसमें आप अपने फेवरेट रैपर एमवे बंटाई को वोट करके विनर बना सकते हो। तो सभी लोग जाकर एमवे बंटाई को सबसे ज्यादा वोट करके विनर बना दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पब्लिक जाओ और एमवे बंटाई को वोट करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।